हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हमने बात करी है कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में खरीदने चाहिए अगर आप एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो। और जितने भी स्मार्टफोन्स को हमने इस वीडियो में कंसीडर करा है वो अपने बजट में एक परफेक्ट स्मार्टफोन है और वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के इस सेल में और भी सस्ते देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ग्रेट डील हो सकती है अगर आप इस सेल में स्मार्टफोन बाय कर पाते हैं तो। तो अगर आप भी एक स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना मेरे भाई, क्योंकि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट की जल्दी आपको लाइव देखने को मिलने वाली है और उस सेल में आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स काफ़ी कम बजट प्राइसिंग में देखने को मिलेंगे, तो तब आप उन स्मार्टफोन्स को खरीद सकते हैं। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें अगर हमारी लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 11R स्मार्टफोन। और वैसे अगर बात करें तो OnePlus की जो 11 सीरीज रही है वो एक काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुई थी, और जो OnePlus का 11R स्मार्टफोन है वो अपने प्राइस पॉइंट को ईजिली जस्टिफाई करता है। बट जब भी ये सेल आएगी तब ये स्मार्टफोन और सस्ता आपको देखने को मिलने वाला है, लगभग 3-4 हज़ार रुपीज़ का और ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 35,000 रुपीज़ के बजट में एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप OnePlus 11R का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको OnePlus 11 भी 50,000 रुपीज़ की बजट प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। और अगर 35,000 रुपीज़ तक बजट में OnePlus 11R देखने को मिलता है तो ये एक काफ़ी ग्रेट डील होगी, बिकॉज इस बजट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिल जाता है, जो कि 3.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको 6.74 इंचेस की एक एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 1450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, और कैमरे भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप 4K क्वालिटी में ईजिली अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो ये स्मार्टफोन 35,000 रुपीज़ के बजट में एक किलर डील होने वाली है। और अगर आपका बजट 50,000 रुपीज़ तक है तो OnePlus 11 भी आपके लिए एक किलर डील होने वाली है। तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं अगर जो भी स्मार्टफोन आपके बजट में फिट बैठता है। तो इसके बाद आप बात करते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमने रखा है IQ की तरफ से आने वाला IQ Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तब 35,000-36,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिला था मार्केट में, तो ये फ़ोन भी आपको सेल में अच्छे डिस्काउंट के साथ देखने को मिलने वाला है। और उसमें अगर बैंक ऑफर या फिर नॉर्मल ऑफर इंक्लूड करा जाए तो दोनों ही ऑफर्स को इंक्लूड करते हुए ये स्मार्टफोन आपको 30,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। और 30,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में ये एकदम क्लियर फ़ोन है। और इसको हम क्लियर फ़ोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपको वही चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 11R स्मार्टफोन में मौजूद है। तो जिनको भी गेमिंग के तौर पर कोई बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक गेमिंग यूजर्स हैं तो आपको पता भी होगा कि IQ के जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो मेनली गेमर्स को ही टारगेट करके अपने स्मार्टफोन्स को बनाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी स्टेबलाइज गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इन कंपैरिजन टू अदर स्मार्टफोन्स। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ प्रोसेसर ही अच्छा देखने को मिलता है, अच्छी फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको सेंसर्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 50 MP +8 MP +2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियो उसको ईजिली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती, एकदम फ्लैट डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो कि 6.78 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। इसके अलावा आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई माइनस पॉइंट है किसी भी स्मार्टफोन का। तो हाँ, अगर आप फ्लैट डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं तो आपको ये स्मार्टफोन 30,000 रुपीज़ की बजट प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आप OnePlus 11R की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया डील होने वाली है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और थर्ड नंबर पे हमने उन स्मार्टफोन्स को रखा है जो कि नॉर्मली सेल का इंतजार वो लोग करते हैं जिनको iPhones बाय करने हैं, जिनको iOS पसंद है। तो वो लोग किन स्मार्टफोन्स की तरफ जाएंगे और किस बजट में कौन सा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, तो अगर बात करें उन स्मार्टफोन्स के बारे में तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको iPhone 11 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिकॉज ये एकदम 4G फ़ोन है और इस समय इंडिया पे 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि iPhone 11 के साथ जाना सही होगा। तो हाँ, iPhone 12, 13, 14 तक आप जा सकते हैं, बिकॉज 15 में आपको ज़्यादा प्राइसेस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज अभी ये रिसेंटली ही ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो अभी ज़्यादा डिफरेंस आपको इसकी प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर iPhone 13 की, तो ये स्मार्टफोन आपको 40,000 रुपीज़ की प्राइसेज में देखने को मिल सकता है, और वहीं पे आपको iPhone 14 जो है वो 50-55,000 रुपीज़ की प्राइसेज में देखने को मिल सकता है।
और इस प्राइस में आपको देखने को मिले तो आप बाय कर लीजिएगा, बिकॉज ये सबसे कम प्राइस रेंज है। अभी तक इस स्मार्टफोन को इससे नीचे प्राइस रेंज में देखा भी नहीं गया है। तो ये तो रहे उन लोगों के लिए जिनको आईफोन बाय करने हैं, बट जिनको एंड्रॉयड ही बाय करना है और वो लोग वीवो का कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक स्मार्टफोन है जो कि इस सेल में आपको काफी सस्ता देखने को मिलने वाला है, जो कि वीवो V27 सीरीज से दो स्मार्टफोन, जिसमें एक वीवो V27 आपको देखने को मिलता है और दूसरा वही V27 प्रो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। और जिस भी प्राइस में ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसको थोड़ा सा ओवर प्राइस हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अपने प्राइसेस को ये स्मार्टफोन जस्टिफाइड नहीं करता है। बट एक बात और है कि अगर आप इन स्मार्टफोन्स को ऑफलाइन में जाकर बाय करते हैं तो आपको यह स्मार्टफोन थोड़ा सस्ते देखने को मिल जाएंगे 2-3 हज़ार रुपीस, बिकॉज वीवो मेनली ऑफलाइन यूजर्स को ही टारगेट करके अपने स्मार्टफोन्स को सेल करता है। बट अगर आप इस स्मार्टफोन को सेल में बाय करते हैं तो यह स्मार्टफोन आपको 30,000-31,000 रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। वीवो V27 Pro की बात कर रहे हैं और वीवो V27 आपको 26,000-27,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। और अगर आप इस स्मार्टफोन को कम बजट रेंज में खरीद पाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ग्रेट डील होगी, बिकॉज इसमें आपको डिज़ाइन के साथ साथ काफ़ी अच्छी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज आपको V27 Pro में MediaTek Dimensity 8200 का एक चिपसेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। तो ये रहे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको इस सेल में काफ़ी ग्रेट डील होने वाली है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इन स्मार्टफोन्स की तरफ अपने आंखें बनाए रहिएगा। और एक स्मार्टफोन है Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन, जो कि नॉर्मली 35,000-38,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में सेल होता है, वो अभी के टाइम पे 26,000-27,000 रुपीज़ प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहा होगा। और हो सकता है कि सेल में वो स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज़ भी देखने को मिल जाए, तो आप उस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं। और वो 25,000 रुपीज़ के बजट में अगर आता है तो वो एक स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है उस बजट प्राइस रेंज में, बिकॉज वहाँ पर भी आपको 8+ Gen 1 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। उसके अलावा आपको उस स्मार्टफोन में काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, सो आप उस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पिक्सल 7 स्मार्टफोन भी पसंद आ सकता है, बट उस स्मार्टफोन की जो प्राइसेज हैं काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं और सेल में सस्ता होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड ही रहेगा। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उन स्मार्टफोन्स की तरफ जाइए, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो आप इन स्मार्टफोन्स की तरफ अपनी आंखें बना के रखिएगा। आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या फिर जो भी स्मार्टफोन ब्रांड आपको पसंद है आप उस स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।